मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी कैंप। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आज मैं 14 अप्रैल की जो करंट अफेयर्स है उसके बारे में देखें कौन कौन सा आज न्यू वाला करंट अफेयर्स है। तो पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस फाइनेंस इन इंडिया? संजय मित्रा, जयवेश नंदन, वरुण मित्रा, गार्गी कॉल, हिंदी में भी लिखा हुआ है, तो हमारा आंसर है गार्गी कॉल। ये गार्गी कॉल है जिसको कि अभी भारत का रक्षा वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। और संजय मित्रा जो है, ही इज ए प्रेजेंट डिफेंस सेक्रेटरी। अभी जो है डिफेंस सेक्रेटरी जो है वो संजय मित्रा है, और अब जो है वो इसको बनाया गया है गार्गी कॉल को। नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज री इलेक्ट एज इजराइल प्राइम मिनिस्टर? इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? इविगडोर लिबरमैन, बेंजामिन नेतन्याहू और बेनी गेंटेज और सिमोन पेरेस। तो हमारा आंसर जो है इसमें जिसको चुना गया है वो बेंजामिन नेतन्याहू है। यही है, फोटो भी आपके सामने लगा हुआ है, ये इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है जो बेंजामिन नेतन्याहू है, जिसको कि फिर से चुना गया है, री इलेक्ट हुए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कार्यकाल में 5वां कार्यकाल जीता है। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी पार्टी ब्लू एंड व्हाइट पार्टी ने हार मान ली और गठबंधन सरकार स्थापित करने के लिए नेतन्याहू के लिए रास्ता साफ कर दिया गया। और इजराइल का जो कैपिटल है वो कहाँ है? जेरूशलेम में है। और करेंसी जो है वहाँ का इजरायली न्यू सेकेल है। नेक्स्ट जो है वो मानव दिवस उड़ान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव दिवस उड़ान के रूप में घोषित किया जाता है, ताकि हर साल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव जाति के लिए अंतरिक्ष युग की शुरुआत किया जा सके। तो इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन स्पेस फ्लाइट किस दिन मनाया जाता है? तो वो इसका आंसर जो होगा वो है 12 अप्रैल को मानव दिवस उड़ान के रूप में इसे मनाया जाता है। 12 अप्रैल को डिक्लेयर किया गया है मानव दिवस उड़ान के लिए, 12 अप्रैल इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जिसको DOT भी कहते हैं, DOT हैज अप्रूव्ड द मर्जर ऑफ टाटा टेली सर्विस विथ? दूरसंचार विभाग DOT जो है ने टाटा टेली सर्विस के साथ विलय को मंजूरी दे दी है। किसके साथ मर्जर के लिए अप्रूव किया है? किसके साथ मर्जर के लिए अप्रूव किया है? तो वह हमारा आंसर है भारतीय एयरटेल लिमिटेड के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट जोवेनल मोइजी अनाउंस दैट हु विल बी द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ हताई? हताई का न्यू प्राइम मिनिस्टर के रूप में किसे अनाउंस किया है? तो इसका आंसर हमारा है जीन मिचेल लेपिन को न्यू प्राइम मिनिस्टर के तौर पे नियुक्त किया है। ये है इस फोटो इसका है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द प्रेस्टीजियस सरस्वती सम्मान 2018 फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोएट्री टाइटल पकाकी ऑटगिलाइट? द अवार्ड कैरीज ए कैश प्राइस ऑफ 15 लाख रुपीज। जिन्होंने प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2018 के लिए पकाकी ऑटगिलाइट शीर्षक की कविता संग्रह के लिए चुना गया है, इस पुरस्कार में 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार है। तो किसको प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है? तो हमारा आंसर है तेलुगु कवि शिवारेड्डी को चुना है। यह है नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बेग्ड द प्रेस्टीजियस AIIMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड 2019 फॉर आउटस्टैंडिंग PSU ऑफ द ईयर? तो किसको मिला है? वो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को मिला है। ये देखें, ये प्रणब मुखर्जी हैं और ये चेयरमैन है। तो प्रणब मुखर्जी है, एंड जो अवार्ड मिला है वो संजीव सिंह जो चेयरमैन है इंडियन ऑयल का, उनको दिया गया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का। वो कौन है? संजीव सिंह। अब देखिए, AIIMA का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच टू स्कीम ऑफ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट फॉर स्किल डेवलपमेंट हैज वॉन द प्रेस्टीजियस वर्ल्ड समिट इन इंफॉर्मेशन सोसाइटी अवार्ड ऑफ यूनाइटेड नेशन? कौन
कौशल विकास के लिए पश्चिम बंगाल सरकार की दो योजनाएं जो है उसको WSIS पुरस्कार में प्रतिष्ठित विश्व शिखर सम्मेलन जीता है। तो कौन सा वो दो उनका स्कीम था जिसमें वो जीते हैं? इसका आंसर है उत्कर्ष बंगला और सबोध साथी। और अभी बंगाल के जो गवर्नर हैं वो कौन है? केसरीनाथ त्रिपाठी गवर्नर हैं और जो ममता बनर्जी है वो CM है वेस्ट बंगाल के। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लें, शेयर भी करें और हम आप ताकि आपको हर दिन करंट अफेयर्स की अपडेट मिलता रहे। और हैव ए नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।